हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज के घरेलू टिप्स एंड ट्रिक्स जो है उसको देखने के बाद आप बाहर से कुछ भी लेना पसंद नहीं करोगी, और ये इतना हेल्पफुल है, इतना फायदा हमें इससे मिलेगी, सालों पुरानी चीजें हमारी जो उसकी समस्या का हल निकल आएगा। तो चलिए देर ना करके वीडियो में आगे बढ़ते। तो देखिए दोस्तों, पान के पत्ते की इतनी उपकारिता है। तो पान के पत्ते आप क्या करते हैं, पान के पत्ते आप खाते हैं, पान के पत्ते में बहुत सारे काम होते हैं। पान के पत्ते में जो हमारे बहुत ही औषधीय गुण होता है, तो पान के पत्ते अगर आपके पास है, पान के पौधे है, तो निकाल सकते हैं, नहीं तो बाहर के पान की दुकान से खरीद सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने 3-4 पान के पत्ते ले लिए, और यहाँ पे मिट्टी के बर्तन ले लेती हूँ। और घर पे हमारे किचन पे हमारी मेथी मिल जाएगी, जो फेनुग्रीक हम लोग बोलते हैं, और ये और एक चीज है वो है कलौंजी। कलौंजी का फायदा इतना होता है खाने से लेकर सेहत तक। और चलिए कलौंजी और मेथी को हम एक दूसरे के साथ अच्छे से मिला लेते हैं। थोड़ा थोड़ा कलौंजी और मेथी लेते हैं। मेथी का गुण तो आप सबको पता होगा और कलौंजी का गुण भी पता है। कलौंजी बहुत सारे काम में इस्तेमाल होते हैं, जो जो शरीर का दर्द होता है, और मेथी भी शरीर का दर्द ये सब खींचता है, और मेथी हमारी मोटापा को खत्म करता है। बहुत सारे गुण है। और यहाँ पे किचन पे हमें मिल जाएगी सरसों की तेल खाने से लेकर लगाने तक हम बहुत सारे कामों में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए मेथी और कलौंजी को मिला लिए, और सरसों के तेल यहाँ पे हमने मिला लिए। यहाँ पे मैंने मिट्टी के बर्तन लिए। अगर आपके पास लोहे के बर्तन है आप उसमें भी कर सकते हैं, मिट्टी के बर्तन में भी बहुत ही अच्छे से ये बन जाएगी। हमारी ये जो उपाय है, घरेलू उपाय है, इसको जरूर आप ट्राई कीजिए, ये बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए हम इसको गैस पे बिठाते हैं, और बिछाने के टाइम पे गैस की सीम को हम बिल्कुल लो करेंगे। सीम पे हम इसको धीरे धीरे बॉइल करेंगे, उबालेंगे। देखिए कितने अच्छे से गर्म हो चुका है। सरसों के तेल और मेथी और कलौंजी, सारे औषधीय गुण एक साथ मिल चुके हैं। और जो पान के पत्ते हमने लिए है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। पान की रस जो होती है हमारे दांत के कीड़े को मारती है, पेट को साफ करती है। अगर आपको पायल्स है, पायल्स में भी पान के पत्ते बहुत ही काम होती है। रोज सुबह एक पान के पत्ते खाली पेट चबा लीजिए, आपकी बहुत ही सालों पुरानी पायल्स खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने पान के पत्ते को छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए। तो जब भी ये पत्ते काटेंगे थोड़ा दूर रहेंगे, क्योंकि ये चटकता है, पान के पत्ते में पानी होता है। तो पान के पत्ते को हम इस तेल में डाल के बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको अच्छे से हम भुनेंगे, और पान के पत्ते बिल्कुल कड़क हो जाएगी तब तक हम इसको भुनेंगे। पान के सारे औषधीय गुण इस तेल में आने चाहिए। देखिए हमारे तेल अच्छे से बन चुका है। क्या इसकी तुलना आप किससे कर सकते हैं? बहुत ही बाजार से हम कितने महंगे महंगे दवाई लेकर आते हैं, बाम लेकर आते हैं, तेल लेकर आते हैं। ये 100% नेचुरल है, इसको हमने घर पे बनाया है। तो देखिए, और एक पान के पत्ते हमने रखा था, इस पान के पत्ते में जो ये गरम गरम तेल को हम लगा लेते, इसका क्या काम है हम वीडियो की बीच में देखेंगे। ये पान के पत्ते में जो मैंने लगाया है तेल, इसका भी बहुत ही जरूरी काम है। तो ठंडा होने के बाद, बिल्कुल ठंडा होने के बाद हम इसको छान लेते हैं। ये कलौंजी, मेथी, पान के पत्ते इसको छान लेते हैं। इनके सारे औषधीय गुण ये तेल में आ चुका है। तो ये तेल तो आप एक बार बना के हफ्ते तक रख सकते हैं। क्या होता है ना दोस्तों, ये इतनी औषधीय तेल है, ये तेल आप कहीं पे भी बाजार से लेने के लिए जाओगी, ये आपको मिलेगी भी नहीं। ये घर पे आप अपनी नजर के सामने ये तेल बना सकते हैं। ये तेल की फायदे ना बहुत ही तरह के हम कर सकते हैं। आपकी एरिया में लचक आ गई है, कमर में दर्द है, शरीर में दर्द है, बदन में दर्द है, अब हमारी मोच आ गई है, बच्चे खेलते हैं पैर में मोच आ गई है, हाथ पे मोच आ गई है, आप कहीं पे भी इस तेल को लगा सकते हैं। और जो दिन भर हम घर पे काम करते हैं, खड़े होके रहते, पूरे शरीर में दर्द होता है, उस टाइम पे भी आप लगा सकते हैं। रात को सोने के पहले लगा के सो जाइए, सुबह आप बहुत ही राहत फील करेंगे। जो हमने पान के पत्ते में तेल लगाया था, ये काम कैसा करेंगे? बच्चे दिन भर खेलते रहते, उन लोगों को पता नहीं होता है, उनकी पैर में हाथ में बहुत ही दर्द रहती है। बच्चे तो बच्चे होते, उन्हें पता नहीं कहीं पे बच्चे गिर जाते हैं, मोच आ जाती है, और ऐसे देखिए मोच बच्चे की कहीं पे मोच आ गई, तो इस तरह के गरम गरम तेल लगा के सहने लायक, बच्चे होते सहने लायक लगा के रख देंगे तो ये दर्द हट जाएगी। और हम जो लेडीज लोग काम करते हैं घर पे, औरत लोग की बहुत ही काम होती है दोस्तों, खड़े से लेकर झुकने तक बहुत ही काम होती है। तो इस तरह से हमारी घुटनों में बहुत ही दर्द होती है, घुटनों का दर्द, अकड़ना, जकड़ना, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। इस प्रॉब्लम से छुटकारा एक ही तेल में है, रामबाण की तरह ये तेल काम करता है। हम अपनी जो घुटनों में
पहले क्लॉकवाइज इसको मसाज करेंगे और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज मसाज करेंगे। आप ऐसा करके एक हफ्ता तो देखिए सोने से पहले आपकी जो कम ये दर्द है ना, आपके घुटनों की दर्द कहीं पे चली जाएगी। और हमारी जो पैर की जो मांसपेशियों में होती है तो उसमें भी लगा सकते हैं। आप सरसों के तेल लगा के धूप में बैठ जाइए तो उससे क्या होगा कि मांसपेशियों के थ्रू आपकी बोन में, हमारी हड्डियों में भी सरसों के तेल पहुंच जाएगी तो हड्डियों में जान आ जाएगी, हड्डियों में ताकत मिल जाएगी। तो सरसों के तेल, ये जो औषधीय तेल हमने बनाए हैं, इसकी गुण तो आप कहीं पे बोल भी नहीं सकते, इतना गुणवत्ता तेल है। आगे से बाहर से तेल खरीदे क्यों, इस तरह से घर पे छोटे छोटे किचन की चीज से हम अगर इस तरह से काम करेंगे तो हमारी सालों पुरानी समस्या का हल निकल आएगी। बहुत ही पुरुष हो महिला हो, दिन भर काम करते हैं और बदन में दर्द होती है, पैर में दर्द होती है, हाथ पे दर्द होती है, कहीं पे भी आप इस तेल को लगाइए, औषधियों के तेल, आपको महंगी दवाई खरीदने नहीं पड़ेगी। महंगी दवाई हम लोग खरीदते हैं, बाम खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, पेन क्लियर खाते हैं, दवाई खाते हैं, इससे क्या होता है ना, तुरंत राहत मिल जाती है, बाद में हमारी साइड इफेक्ट निकलती है। एक दवाई खाते बहुत सारे बीमारियों को बुलावा देते हैं। आप इस तरह से एक ही तेल बनाइए और इसको रख लीजिए, कहीं भी कांच की बोतल में रख लीजिए, जितने हफ्ते तक आपको हो सके तो रख लीजिए। जहां कहीं भी उम्र की कोई भी पाबंदी नहीं है, बच्चों से लेकर बड़े सब इस तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसा लगा आज का वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा। हेल्पफुल लगे तो ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, प्यार देते रहिए और एक लाइक भी दे दीजिए और मल्टी किचन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में।